नमस्कार, मार्केट संवाद की रिपोर्ट लेकर आए हैं। चतुर्भुज टेंपल की ओर चढ़ रहे हैं हम सीढ़ियों पर, जो पूरा दरबार बना हुआ है भगवान का। ये सारी सीढ़ियां हैं जाने के लिए। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये महारानी का महल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जब भगवान राम को लेके आए थे, भगवान प्रभु को, ये जो खिड़की आप देख रहे हैं, तो उनका यही मानना था कि हम अपनी ये खिड़की से भगवान प्रभु के दर्शन करें। लेकिन भगवान राम को जब वहाँ पर बैठा दिया गया, तो वहाँ से वो उठे नहीं। तभी उन्होंने ये चतुर्भुज टेंपल में भगवान राम का पूरा दरबार बनाया। आइए हम लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आप जो देख रहे हैं, ये चतुर्भुज टेंपल है के नाम से कहा जाता है। काफी सीढ़ियां थी, ये पूरा फिर महारानी ने ये मंदिर की स्थापना की, जिससे वो खिड़की जो हमने दिखाई थी आपको, उस खिड़की से प्रभु भगवान राम के दर्शन कर सकें। इसलिए हम मार्केट संवाद की रिपोर्ट लेकर आए हैं। भगवान प्रभु के दर्शन आपको अपने मार्केट संवाद चैनल से करा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, यहीं पर भगवान प्रभु राम को विराजमान होना था, लेकिन महारानी ने वहाँ पर रख बिठा दिया, पर भगवान प्रभु नहीं उठे। फिर उन्होंने इस दरबार की स्थापना की और अपनी खिड़की से दर्शन करती थी रोज, यही उनका मकसद था। तभी उन्होंने ये स्थापना की। ये आप जो देख रहे हैं नक्काशी, कितनी सुंदर नक्काशी बनी हुई है, ब्रिटिश जमाने का किले का, राजा रजवाड़े का आप डिजाइन देख रहे होंगे। कितना सुंदर नजारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप जो देख सकते हैं, कितनी प्यारी नक्काशी है। ऊपर का नजारा आप देख रहे होंगे। ये पूरा परिसर है भगवान प्रभु का। यहाँ से भगवान प्रभु राम का आप पूरा महल देख रहे हैं।
कितना सुंदर महल है, जहाँ प्रभु विराजमान हो वहाँ सुंदरता अपने आप ही आ जाती है। सारा पूरा ओरछा धन है, भगवान प्रभु राम विराजमान है यहाँ पर, पूरे ओरछा में विराजमान है समझो। मार्केट समाज की रिपोर्ट जहाँ